प्रखंड, जहां पर प्रखंड का बजट सत्र में राज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ना पर्ची निर्गमन के में पारदर्शिता बनाए जाने के उद्देश्य से गन्ना कृषकों के हित में एसएमएस के माध्यम से गन्ना पर्ची उपलब्ध कराई जा रही है एवं राज्य में गन्ना सर्वेक्षण कार्य जीपीएस पद्धति से कराया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप हेतु द्वारा दुग्ध उत्पादन के में वृद्धि हेतु लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का अच्छा दान करने व स्वदेशी नस्ल का संरक्षण व संवर्धन, कुक्कुट विकास का सघनीकरण तथा विभागीय हेल्पलाइन नंबर 1962 के माध्यम से रोग निदान सेवाओं हेतु मोबाइल वेटनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में निराश्रित स्वच्छंद विचरण कर रहे गोवंश का आबदारी शुल्क सिस से भरण पोषण उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया है। कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कुक्कुट वैली एवं ब्रॉयलर फार्म की स्थापना की जा रही है। चारे की कमी को दूर करने हेतु उत्तराखंड चारा नीति स्वीकृत की गई है। मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य क्षेत्र में क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग मत्स्यिकी क्षेत्र के विभिन्न आयामों के माध्यम से रोजगार सृजन आय वृद्धि समुचित विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रख्यापित की जा रही है। डेयरी विभाग द्वारा गंगा गाय महिला डेयरी योजना संबंध NCDC योजना अंतर्गत दुग्ध समितियों के सदस्य को 75% तक अनुदान पर 3 एवं 5 दुधारू गायों के साथ साथ 2 दुधारू भैंसों की इकाई स्थापना हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत वृहद क्लस्टर स्थापित करते हुए 45,000 से अधिक कृषक परिवारों की सीधे लाभान्वित किया गया। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना अंतर्गत जनपद देहरादून की सहसपुर एमपेक्स में 500 मेट्रिक टन के गोदाम निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के 3-6 वर्ष के लाभार्थी बच्चों को अंडा एवं केला चिप्स तथा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत फोर्टिफाइड दुग्ध प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु खजूर एवं अंडे का वितरण किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व दशम दशमोत्तर एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से करते हुए धनराशि DBT के माध्यम से पात्र अभ्यार्थियों को सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जा रही है। अल्पसंख्यकीय वर्ग के सफल अभ्यार्थियों को तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम 75,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अल्पसंख्यकीय समुदाय की मेघावी बालिका जो 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 760% से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने हेतु मेघावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम 25,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 90,000 दिव्यांग
जनोखो विशिष्ट पहचान पत्र UDID बनाकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा दिव्यांग जनों को राजकीय दिव्यांग कर्मशाला टिहरी पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 385 चयनित ग्रामों में से 98 ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है एवं बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के जनपद अल्मोड़ा नैनीताल देहरादून में अनुसूचित जाति के छात्र छात्रों हेतु छात्रवास बनाए जा रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्ध आश्रमों का निर्माण किया गया। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक संगठनों बेरोजगार युवाओं तथा स्थापित किए जा रहे सूक्ष्म उद्यमों को तकनीकी तथा ज्ञान आधारित सहयोग वित्तीय लीकेज एवं समावेशन में सहायता करने हेतु दो जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी में हब तथा शेष 11 जनपदों में स्पोक स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से सीमावर्ती गांवों के बहुमुखी विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के 3 जिलों यथा पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी के 5 विकास खंडों के 51 गांवों का चयन किया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का ढांचागत कौशल विकास आर्थिक वृद्धि आजीविका विकास का कार्य किया जाएगा। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन